हर हर महादेव। आई होप एवरीबडी इज डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ। और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मैं जा रहा हूँ बानी फिर से, बिकॉज कल बहुत ज़्यादा रेनी डे था और कल मैं कुछ ऐसा प्रोडक्टिव नहीं कर पाया, तो आई थॉट टुडे इज़ अ सनी डे, इट्स अ न्यू डे एंड आई शुड मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो अभी मैं जा रहा हूँ बानी, और बानी में थोड़ा ऐसे ही काम आई थॉट कि थोड़ा आज काम करते हैं, क्योंकि घर पे रह के भी बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं। और इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि मैं जिम इतने टाइम से नहीं गया, सो इन ऑर्डर टू बी फिट एंड डू सम फिज़िकल एक्टिविटी आई थॉट आई शुड गो, थोड़ा काम करते हैं, देखते कैसा लगता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने कभी पहले खेत का काम नहीं किया, आई नो कैसे होता है और सारी चीज़ें, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इट प्रैक्टिकली। और अब देखते आगे जाके क्या होगा, क्योंकि दिस इज़ अ टोटल न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल एंड आई डोंट नो हाउ इट विल गो, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड अब देखते कि क्या होगा। Since it's lockdown, so I was planning to do the same in the previous lockdown, but I somehow failed to do that. But अब इस lockdown में मैंने सोचा कि थोड़ा मैं नई चीज़ें experience करूँ, नई चीज़ें try करूँ। I know कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिन्होंने खेत का काम किया होगा पहले भी, but अब थोड़ा शिमला से बाहर रहने के कारण and all that stuff, तो हमने कभी, मैंने पर्सनली ये कभी काम नहीं किया, मुझे पता है कि कैसे क्या करते हैं, बट मैंने ये खुद कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, सो आई थॉट वाई शुड नॉट गिव इट अ ट्राई एंड डेफिनेटली आई विल बी लर्निंग समथिंग एंड ग्रोइंग इनटू अ बेटर पर्सन, बिकॉज आई थॉट दिस टाइम आई शुड बी ट्राइंग समथिंग न्यू इन माई लाइफ, सो आई एम ऑन फॉर इट एंड आई एम गोइंग फॉर इट राइट नाउ। और अभी देखते हैं दीपू भाई कहाँ से आ रहे हो? आज किस चीज स्प्रे करी? आज की भाई फंजीसाइड। क्यों करी फंजीसाइड की? फंगस के लिए करते हैं, रूटीन स्प्रे। अच्छा रूटीन स्प्रे, तो अभी आपने यहाँ करी, फिर अभी आप कहाँ जाओगे? अब इसके बाद सुंडली जाएंगे ऊपर। अच्छा अभी लंच ब्रेक है मतलब, तब तो बढ़िया है। आप कहाँ चले? मैं थोड़ा, मैंने सोचा दीपू भाई आज खोदते हैं, कुछ नया करते हैं। सो फाइनली मैं बानी आ चुका हूँ एंड आई एम सो हैप्पी टुडे कि आज मौसम बहुत साफ़ है, सिंस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम जब से मैं गांव आया हूँ तब से बारिश ही हो रही है। सो अब मैं थोड़ा यहाँ पे कुछ करता हूँ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ।
जितना इजी मुझे लगा था ये उतना इजी नहीं है, बट आई वंडर दोज पीपल जो ये काम करते हैं एंड आई सल्यूट देम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट नहीं बट बहुत ज़्यादा हेक्टिक है करने को, क्योंकि मैं अभी इसे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ तो थोड़ा एग्जॉस्टिंग है, बट अभी एग्जैक्टली मैं करके आ रहा हूँ। जो प्लांट के आसपास एक्स्ट्रा वीड इन द सेंस ग्रास, जो फालतू ग्रास है उसको मैं अभी चॉप ऑफ कर रहा हूँ ताकि वो जो प्लांट की ग्रोथ है उसे ना खाए, क्योंकि जितनी भी सारे सोर्सेज न्यूट्रिएंट्स वो सॉइल से ऑब्जर्व करेंगे वो सारे वो अपनी ग्रोथ के लिए ले लेंगे और जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होगी और जो प्लांट है उसे थोड़ा टाइम लगेगा ग्रो करने में, इसलिए इन सारे अनवांटेड ग्रास को हम रिमूव कर रहे हैं। और आज धूप भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइम्स। सो फाइनली थोड़ा काम करने के बाद अब घर चलते हैं, कुछ खाते हैं, अब देखता हूँ क्या बनाऊँगा, लेट्स सी। बट एक बहुत अच्छी चीज़ हुई इसमें कि थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी भी होगी, थोड़ा फिज़िकल वर्कआउट भी हो गया और अब भूख भी लग रही है। सो अब कुछ बनाता हूँ घर जाके, देखते क्या बनाऊँगा। तो अभी मैं बना रहा हूँ चीज़ बर्गर और यहाँ पे तेल गरम हो रहा है, तो इन आलू टिक्की को हम फ्राई करेंगे और फिर आगे बनाता हूँ। अभी मेरे पास यहाँ पे बर्गर बन्स नहीं है, बट आई हैव दिस मल्टी ग्रेन ब्रेड, तो अभी वो बन अवेलेबल नहीं थे यहाँ जुब्बल मार्केट में, तो अभी आई यूज़ देम। अभी मैं मल्टी ग्रेन ब्रेड से ही बर्गर बनाऊँगा, सो लेट्स सी हाउ इट गोस। तो सॉस बनाने के लिए आई एम यूजिंग दिस वीबा बर्गर मेयोनीज और उसमें मैं ऐड करूंगा सैंडविच स्प्रेड और थोड़ी सी शेजवान चटनी ताकि वो थोड़ा और अच्छा टेस्ट को एलिवेट करे। तो लाइट भी चलेगी, तो बस अभी और कोई अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास, तो अभी हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू मेल्ट द चीज़ हम इसको तवे पे रख देंगे और तब तक थोड़ा इसको गर्म होने देंगे।